Assalamualaikum, my name is Dr. Mohammad Usman Ali. Today our topic is how to examine the motor system of the subject. Okay, we will cover in four headings. First of all, introduction. Basically, motor system consists of the pyramidal system and the extrapyramidal system. In pyramidal system, as we know that there are two motor pathways, corticospinal tract and corticobulbar tract. In extrapyramidal system, they include fibers from basal ganglia, red nuclei, reticular formation and vestibular nuclei. In this practical, we need apparatus like hammer, measuring tape and card. And precautions for this practical, there should be no inflammation of the area to be examined. Exclude any joint disease. Always compare both sides. Subject should be relaxed, environment should be warm and comfortable. Okay, and in procedure, we will start from muscle bulk, then tone of muscles, muscle power, reflexes, coordination of movements, gait and involuntary movements. These topics we will cover in this examination. Okay, first of all, we will start from muscle bulk. In muscle bulk, we will cover these four headings, like we will start from symmetry of muscles, consistency of muscles, we will palpate any tenderness in our subject, and then we will measure the circumference of the different muscles so that we can find any abnormality present in the muscle bulk of our subject. मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान अली है. आज हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ मोटर सॉरी अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान अली है. आज हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं एग्जामिनेशन ऑफ मोटर सिस्टम ऑफ अवर सब्जेक्ट. इसमें ये है कि अपरेटस जो यूज़ होना है, ये हैमर है हमारी, ठीक है, ये मेजरिंग टेप है, ये एक कार्ड है, ठीक है. और उसके बाद मैं सबसे पहले पेशेंट के और सब्जेक्ट के राइट साइड पे खड़ा हूँ, ठीक है. इनको मैं इंट्रोडक्शन अपना करवाऊँगा, उसके बाद इनका कंसेंट लूँगा, ठीक है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान अली है. आज मैंने आपके ये पटकों का मुआयना करना है, मसल एग्जामिनेशन है, मोटर सिस्टम. तो क्या मुझे आप उसकी इस प्रैक्टिकल इजाज़त देते हैं? जी, ठीक है. इसमें हम आपके ये मसल्स की देखेंगे, बल्क, ठीक है, दोनों साइड पे. पहले इनका दोनों साइड एक जैसी हैं, मसल बल्क एक जैसा है, ठीक है. और उसके बाद कोई टेंडरनेस नहीं है, हाथ पालपेट करने से टेंडरनेस फील होगी, लेकिन ठीक है, कोई मसला तो नहीं हो रहा आपको. हाथ लगाने से कोई दर्द वगैरह तो नहीं है, टेंडरनेस नहीं है कोई भी. इसके बाद हम अपने मेजरिंग टेप से इनका सर्कमफेरेंस ऑफ मसल देखेंगे. अच्छा, हमने अभी इनकी मसल सिमेट्री चेक कर ली है, ठीक है, टेंडरनेस नहीं है कोई, उनको पालपेट कर लिया है. इसके बाद हमने सर्कमफेरेंस ऑफ मसल्स देखने हैं इनका, वो मेजरिंग टेप हमें यूज़ करनी होगी. उसके लिए हम पहले राइट मसल बल्क ये चेक करने के लिए इनका हमें ये देखें, ये 13 अप्रॉक्सीमेट है. ये भी तकरीबन 13 ही है, मतलब कि सेम इनका है, और ये नॉर्मल एक मसल बल्क है. इसके बाद इनका थाइज का देख लेंगे, नीचे का लटा, ये तकरीबन 18.5 राइट थाय. ओके, 18.5 ये भी इस उनका है. लेफ्ट लेग का नोट करेंगे तो सर्कमफेरेंस ये तकरीबन 15. ये भी 15 है, और ये हमने सर्कमफेरेंस चेक कर लिए, ठीक है. सर्कमफेरेंस चेक करने के लिए बेसिकली देखना होता है कि जहाँ सबसे ज़्यादा ये है आपका मसल, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट आप फिक्स कर लेते हैं, ठीक है. जिस तरह मतलब कि कोई भी मिड
आप पॉइंट मसल का देख लें यहाँ से, फिर वो कंपेयर कर लें, दोनों साइड कंपेयर करनी होती हैं। इसी तरह थाई का, ठीक है, और आप लेग का भी देख सकते हैं। इसी तरह कोई एक पॉइंट और दोनों वही एग्जैक्ट पॉइंट होने चाहिए ताकि दोनों तरफ से कंपेरिजन कर सकें हम। अच्छा, हम अभी हमने स्टार्ट किया था मसल बल्क से, ठीक है, मसल बल्क हमने कर ली है। उसमें सर्कमफेरेंस ऑफ आर्म जो है वो 5 inches अबव द एल्बो जॉइंट कर लें, ठीक है, और उसके बाद फोर आर्म अगर करना है तो आपने 4 inches बिलो द लेवल ऑफ एल्बो, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। उसके बाद थाई जो है वो 9 inches अबव द नी जॉइंट कर लें, और लेग जो है 6 inches बिलो द नी जॉइंट। मतलब ये स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं अगर आप स्पेसिफिक कोई एक पॉइंट्स सेलेक्ट करना है तो। उसके बाद हमारी है टोन ऑफ मसल्स। टोन ऑफ मसल देखने के लिए ये इसका बेसिकली ये एक इट इज़ अ स्टेट ऑफ पार्शियल कंट्रैक्शन प्रेजेंट इन हेल्दी मसल एंड दिस इज द रेजिस्टेंस फेल्ट व्हेन ए जॉइंट इज मूव्ड पैसिवली। इसमें ये करना क्या है, आस्क द पेशेंट टू लेट हिज रिस्ट एंड आर्म टू गो फ्लॉपी देन फ्लेक्स एंड एक्सटेंड हिज रिस्ट पैसिवली एंड फील फॉर एबनॉर्मलिटी ऑफ टोन। दिस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट टोन ऑफ मसल्स अराउंड द रिस्ट। कंपेयर ऑन बोथ साइड्स एंड रिपीट द प्रोसीजर एट एवरी जॉइंट ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब। बेसिकली टोन इज कंट्रोल्ड बाय कॉर्डिक स्पाइनल एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्स। अच्छा, मसल बल्क हो गया हमारा, मसल बल्क के लिए हमने पॉइंट्स भी देख लिए, ठीक है, और उसके बाद हमने अब स्टार्ट करना है टोन ऑफ मसल। टोन ऑफ मसल के लिए हम अपने सब्जेक्ट से ये कहेंगे कि इन्होंने अपना बाजू ढीला छोड़ देना है, ठीक है, जो इनकी रिस्ट है कलाई है इन्होंने अपने इसको एक्सटेंड करना है, ठीक है। उसके बाद हम टोन चेक करेंगे मसल की ये, और इनकी एक नॉर्मल टोन ऑफ मसल हमें फील हो रही है। इसी तरह दूसरे बाजू पे बाजू ढीला छोड़ दें और अपनी कलाई से ये देखें, ये टोन ऑफ मसल नॉर्मल शो कर रही है हमें। इसी तरह आप इनके थाइस की भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट स्पेसिफिकली हमने ये स्टार्ट। ओके, आफ्टर टोन ऑफ मसल्स वी विल स्टार्ट फ्रॉम मसल पावर। बेसिकली पावर इज असेस्ड बाय ऑब्जर्विंग कमांडेड मूवमेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट विद और विदाउट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड रेजिस्टेंस। ओके, इन विच वी विल स्टार्ट फ्रॉम ओपोनेंट्स पॉलिसिस, ठीक है, आई विल आस्क द सब्जेक्ट टू टच द टिप ऑफ हिज लिटिल फिंगर विद द पॉइंट ऑफ हिज थंब एंड आई विल अपोज द मूवमेंट विद माई इंडेक्स फिंगर और रेजिस्ट मूवमेंट ऑफ थंब वाइल द सब्जेक्ट इज ट्राइंग टू टच द बेस ऑफ लिटिल फिंगर। Then interosseous muscle, I will ask the subject to hold a card or paper between two fingers while I will pull it towards myself. Then flexor of finger, in which we will check the flexion of finger by asking the subject to squeeze your finger. Then flexors of wrist, it is checked by asking the subject to bring the fingers toward the front of his forearm against resistance. Flexor, then extensors of wrist. In this, we will ask the subject to make a fist. This involves firm contraction of muscles of wrist, in which way we will check its extensors. Biceps. Ask the subject to bend the forearm against resistance. The forearm should be in full supination position. To check the tricep power, we will ask the subject to straighten out his forearm against your resistance. Then at last, we will check supraspinatus and deltoid muscle, in which we will ask the subject to lift his arm straight out at right angles to his side against resistance. The first 30 degree of his movement is carried out by supraspinatus and the remaining 60 degree is produced by the deltoid muscle. In this we will check two muscles, basically supraspinatus, we will check deltoid muscle too. ओके, इन मसल पावर वी विल स्टार्ट फ्रॉम ओपोनेंट्स पॉलिसिस, ठीक है। अच्छा,
ऐसा है कि मैं आपने ये करना है कि अपना ये थंब जो है ये अपनी लिटिल फिंगर छोटे फिंगर की तरफ लेके जाना है, ठीक है। मैं अपनी फिंगर से इसको रिजिस्ट करूँगा, मतलब कि मैं इस तरफ जोर लगाऊंगा, आपने इस तरफ जोर लगाना है, ठीक है, जिससे आपकी ये इसकी पावर चेक होगी थंब की, ठीक है। चलें आप इस तरफ करें, इसको साधना है, ठीक है। इनकी मसल पावर ओपोनेंट्स पॉलिसीज की बिल्कुल ठीक है। ओके, नाउ वी विल चेक इंट्रोशियल मसल्स ऑफ फिंगर। ऐसा है कि मैं आपको ये कार्ड पकड़ाऊंगा आपके दोनों फिंगर्स के दरमियान, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह होल्ड करना है, पकड़ना है, ठीक है, और मैं इसको आपकी तरफ खींच दूंगा, इसे आपके दोनों मसल्स ये उंगली के दोनों मसल्स चेक होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पकड़ने इसको। ये देखिए मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ, लेकिन इन्होंने बड़ी अच्छी फॉर्म इनकी है, और इट मीन्स कि इनकी इंट्रोशियल मसल्स की पावर बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। ओके, आफ्टर इंट्रोशियल मसल वी विल स्टार्ट फ्रॉम फ्लेक्सर्स ऑफ फिंगर्स। अच्छा, फ्लेक्स ऑफ फिंगर्स के लिए हमने बेसिकली अपने सब्जेक्ट से ये कहना है कि मैं आपको ये अपनी फिंगर्स आपके हाथ में इस तरह रखूँगा, ठीक है। आपने अपनी जोर से इसको पकड़ना है, मैं अपनी फिंगर्स खींचूंगा, लेकिन आपने इसको पकड़ के रखना है, ठीक है। इसलिए आपके ये फ्लेक्सर्स ऑफ फिंगर्स पता चलेंगे, पकड़ें। ओके, फ्लेक्सर ऑफ फिंगर ऑफ माई सब्जेक्ट इज नॉर्मल। ओके, आफ्टर फ्लेक्सर्स ऑफ फिंगर्स वी विल चेक फ्लेक्सर्स ऑफ रिस्ट। अच्छा, फ्लेक्सर ऑफ रिस्ट के लिए बेसिकली हमने अपने सब्जेक्ट को ये कहना है कि इन्होंने अपनी फिंगर्स जो है अपने फोर आर्म की तरफ मूव करनी है, और मैंने रिजिस्ट करना है, ठीक है। ऐसा है कि ये आप अपनी इसकी तरफ मूव करेंगे, ठीक है, और मैं इसको रिजिस्ट करूँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ये देखें, मतलब कि इनकी जो है फ्लेक्सर ऑफ रिस्ट जो बिल्कुल नॉर्मल इनकी ग्रिप है, और ये नॉर्मल हम कंसिडर करेंगे। ओके, आफ्टर चेकिंग फ्लेक्सर्स ऑफ रिस्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सटेंशंस ऑफ रिस्ट। ओके, इन एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट आई विल आस्क माई सब्जेक्ट टू मेक अ फिस्ट। ऐसा है कि आपने ये मुट्ठी बनानी है, ठीक है। ये देखें, ये बिल्कुल नॉर्मल इनकी ग्रिप है, ये इनकी एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट हमने चेक कर लिया, ये नॉर्मल है, ठीक है। ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम बाइसेप्स नाउ, ठीक है। अच्छा, आपका ये मसल चेक करना है हमने, ठीक है। ऐसा है कि आपने ये जो है ना जोर इस तरफ लगाना है, ठीक है, और मैं आपका इस तरफ लगाऊंगा, आपने प्रोग्राम इसकी तो मूव करनी है, और मैं इसको आपको रजिस्ट करूंगा, ठीक है, ये चेक करते हैं। चलें, ओके, इनका बाइसेप मसल बिल्कुल नॉर्मल है, अच्छी पावर है, बाइसेप मसल पावर बिल्कुल नॉर्मल है। ओके, आफ्टर बाइसेप चेक इट्स ट्राइसेप मसल, ठीक है। ट्राइसेप मसल के लिए आपको ऐसा है कि आपने बाजू अपना सीधा करना है, ठीक है, और मैं जोर लगाऊंगा इस तरफ, ठीक है। आपने अपने बाजू सीधा करने की कोशिश करनी है, ठीक है, इसे आपका ये मसल चेक होगा। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये इनका ट्राइसेप मसल नॉर्मल है, इन्होंने रेजिस्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस नॉर्मल इनकी मसल पावर है। अच्छा, ऐसे अब सुप्रा स्पाइनेटस मसल और डेल्टॉइड मसल हम चेक करेंगे। उसका तरीका ये है कि आपने अपने बाजू ऊपर लेके जाने हैं, ठीक है, तो मैंने जोर लगाने नीचे हुआ, ठीक है, इसे आपके डेल्टॉइड मसल और सुप्रा स्पाइनेटस मसल चेक होंगे, ठीक है। आप जोर लगाएं नीचे को। ओके, इनका सुप्रा स्पाइनेटस और डेल्टॉइड मसल चेक किए, मसल पावर बिल्कुल नॉर्मल है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट पावर ऑफ एब्डोमिनल मसल। टू चेक दीज मसल वी विल आस्क द सब्जेक्ट टू सिट अप इन द बेड फ्रॉम द स्पाइन पोजिशन विदाउट द एड ऑफ हिज आर्म्स। देन ट्रेपेजियस मसल, आई विल आस्क द सब्जेक्ट टू श्रग हिज शोल्डर अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, देन आस्क हिम टू अप्रोक्सीमेट द शोल्डर ब्लेड्स। अच्छा, अब ये है कि इसका हमने देखा है एब्डोमिनल मसल की पावर चेक करनी है। उसके लिए मैं अपने सब्जेक्ट से ये कहूँगा कि आपने बगैर अपने बाजुओं के सपोर्ट लिए आपने सीधे उठ के बैठना है, ठीक है। चलें आप ट्राई करें। नहीं, इनके एब्डोमिनल मसल चेक किए, नॉर्मल की है। अब ये है कि इनकी ट्रेपेजियस मसल चेक करने हैं, ठीक है। ट्रेपेजियस मसल चेक करने के लिए आपको मैं आपने अपने शोल्डर ऊपर उठाने हैं, और मैं आपको जोर नीचे को जोर लगाऊंगा, ठीक है, करें। ओके ओके,
Now we'll check dorsiflexion of foot, and then after dorsiflexion we will check plantar flexion of foot. ओके आपका ये है कि आपने ना अपना पाँव जो है अपनी तरफ लेके आना है, ठीक है, और मैं पीछे को जरूर झुक करूँगा. ओके अभी इनकी प्लांटर फ्लेक्शन ये नीचे को करेंगे आप, मैं ऊपर को. ओके ओके अब हम एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट चेक करेंगे. ऐसा है कि आपने अपने ये जो है ना इसको सीधा करना है टांग को, ठीक है, और मैं जोड़ लूँगा आपके सब, ठीक है, आपने मेरे अपोज करना है और डांस भी करनी है, ठीक है, चलें. ओके ये एक्सटेंशन ऑफ नी है इनका नॉर्मल. अभी ये है कि इनका फ्लेक्सर ऑफ नी जॉइंट चेक करना है, ठीक है. ऐसा है कि मैं आपकी ये टांग ऊपर उठाऊंगा, ठीक है, अब आपने अपने ये टांग मोड़नी है और मैंने आपको मोड़ने नहीं देनी, ठीक है, चलें. ओके ये इनके था फ्लेक्सर ऑफ नी जॉइंट. फ्लेक्सर ऑफ थाई के लिए ऐसा है कि आप अपनी जो है ना टंग, अच्छा फ्लेक्सर ऑफ थाइज अब चेक करना है, ठीक है. ऐसा है कि आपने अपनी टांग को उठानी है और मैं जोर लगाऊंगा नीचे को, ठीक है, इसे हमारा फ्लेक्सर ऑफ थाई चेक होगा, चलें. ओके ये फ्लेक्सर ऑफ थाई था, ये जोर ऊपर को लगा रहे थे लेकिन मेरी तरफ से जोर नीचे की तरफ था, उसका मतलब था कि इनकी थाई का फ्लेक्सर ऑफ फ्लेक्सर चेक होगा. ओके अब हम अब हम ऐसा है कि इनकी एब्डक्टर ऑफ लेग चेक करेंगे. वो उसका तरीका ये है कि मैं आपकी टांगें पकड़ूंगा, ठीक है, लेकिन आपने इनको खोलने की ट्राई करनी है, ठीक है, चलें. ओके अब है एडक्टर्स हमने चेक करने हैं, ठीक है, उसके लिए ऐसा है कि ये मैं आपकी टांगें ऐसा खोल रहा हूँ, आपने इनको मिड लाइन में लेके आना है, अपनी तरफ लेके आना है, ठीक है, इनको जोड़ना है आपस में और मैं जोर लगाऊंगा इस तरफ, ठीक है, चलें. ओके अच्छा ये है ग्रेड्स ऑफ पावर, ठीक है, सारा एग्जामिनेशन करके पावर मसल देख के उसके बाद हमने ग्रेडिंग करनी होती है, ठीक है, बेसिकली फाइव ग्रेड्स हैं, ठीक है, उनमें से ग्रेड जीरो ये है कि कंप्लीट पैरालिसिस हो, अगर पेशेंट का कंप्लीट पैरालिसिस है तो उसको उसका ग्रेड जीरो है, ठीक है. ग्रेड वन जो है वो ये है ए फ्लिकर ऑफ कंट्रेक्शन ओनली, मतलब कि आपको थोड़ी सी मूवमेंट होगी फील होगी और वो उसको आप ग्रेड वन करेंगे. उसके बाद ग्रेड टू है मूवमेंट ओनली व्हेन ग्रेविटी इज एक्सक्लूडेड, ठीक है, तब आप ग्रेड टू उसको करेंगे. उसके बाद ग्रेड थ्री जो है उसमें होगा मूवमेंट अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, जब पेशेंट अगेंस्ट द ग्रेविटी भी मूवमेंट कर रहा है तो उसको आप ग्रेड थ्री देंगे. ग्रेड फोर कब देना है, जब मूवमेंट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस बट पावर इज लेस देन नॉर्मल. मूवमेंट तो है रेजिस्टेंस के अगेंस्ट लेकिन जो है ना पावर उस मसल की थोड़ी सी कम है नॉर्मल से, फिर आप ग्रेड फोर दोगे उसको. और ग्रेड फाइव जो है नॉर्मल पावर है, जिस तरह हमारा जो सब्जेक्ट था उसका जो है वो ग्रेड फाइव है, नॉर्मल पावर है उसके सब मसल्स की. ओके आफ्टर पावर ऑफ मसल्स देयर आर रिफ्लेक्सेस विच आर डन बाय द आवर कलीग डॉक्टर मासूमा. आफ्टर रिफ्लेक्सेस वी विल स्टार्ट फ्रॉम कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स in which we have to do some tests for upper limb and lower limb. In upper limb there are finger nose tests and then making a circle, rapid alternate movements. In lower limb walk in a straight line, heel shin test and Rodmer sign. Now I will ask my subject to start from finger nose test. यहाँ मैं ये आपने मेरे finger पे अपनी उंगली लगानी है, उसके बाद अपने nose पे लगानी है, ठीक है ना. Okay, this was a finger nose test. Then I will start from rapid alternate movements. आपने ऐसे movement करने हैं. Okay, rapid alternate movements. Then lower limb test. आपने अब straight line में चलना है. वहाँ से. Okay. This was walking in a straight line, ठीक है. ओके नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम हील शिन टेस्ट. ऐसा है कि आपने अपनी जो है ना ये एड़ी अपने ये यहाँ से स्टार्ट करनी और यहाँ तक ले जानी है, ठीक है, ये ऐसे करके, ठीक है,
दोबारा एक और दूसरी तरफ भी ओके डन ओके वी विल स्टार्ट फ्रॉम रॉम्बस साइन। अच्छा आपने ऐसा है कि आपने अपनी आंखें खुली रखनी है और आपने दोनों पाँव साथ जोड़ने हैं ठीक है और इसी तरह आप नॉर्मल हो जाए और आंखें बंद करके दोबारा पाँव आपने साथ करें साथ करने ओके बेसिकली रॉम्बस टेस्ट इज पॉजिटिव व्हेन द पेशेंट लूजेस बैलेंस विद आईज क्लोज्ड एंड इट इज सजेस्टिव ऑफ माइल्ड लीजन ऑफ द सेंसरी वेस्टिब्यूलर और प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम। Okay. After coordination of movements, now next topic is gait. Okay, no, a normal gait shows coordination of movements. If there is any problem in the gait, it may be a manifestation of lesion in some part of motor system. For example, my subject is normal, and I will ask him to walk. थोड़ा सा चल के हैं. ओके देखें इनके जो गेट है वो नॉर्मल है ओके अगर कोई गेट डिसऑर्डर होगा तो वो उसकी एग्जांपल है ड्रंकन गेट हो सकता है पार्किंसोनियन गेट हो सकता है ड्रंकन गेट में सेरिबेलर लियन है पार्किंसोनियन गेट जो है वो बेसल गेंगलिया लियन की वजह से होगा और इसी तरह वेडलिंग गेट हो वेडलिंग गेट में मायोपैथीज हो सकती हैं कोई मसल की इन्वॉल्वमेंट है या कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप की वजह से भी वेडलिंग गेट हो सकता है ओके आफ्टर गेट नेक्स्ट इज इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स में देखना है हमने ऑब्जर्व करना है बेसिकली कोई एनी एबनॉर्मल मूवमेंट लाइक फेशियल टिक्स आपको फील हो सकते हैं या कोई भी हमें ब्लिसमस है या कोई ट्रेमर्स हैं लेकिन ये हमारा सब्जेक्ट बिल्कुल नॉर्मल है इसमें कोई हमें टिक्स फील नहीं हुए या कोई ट्रेमर्स वगैरह नहीं है मतलब ही इज़ नॉर्मल। ये हमारे आज के सब्जेक्ट थे इनका हम एंड पे सारा प्रैक्टिकल करके उनका थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू अमित साहब आपने हमें टाइम दिया और आपने हमें इजाज़त दी आपके सारा हमने वो मोटर सिस्टम का सारा रिकॉग्निशन किया थैंक यू सो मच। ओके नेक्स्ट जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक कुछ हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है जैसे कि एक है वेस्ट और एट्रोफिक मसल्स जैसे कि कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो यूज नहीं होते ठीक है उनमें वो ऑटोमेटिकली एट्रोफी शुरू हो जाती है ठीक है उनको डिसयूज एट्रोफी बोलते हैं ठीक है और कुछ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की वजह से भी हो सकते हैं ठीक है और हाइपरट्रॉफिक मसल्स होते हैं जिस तरह के अक्सर वेट लिफ्टर्स में हाइपरट्रॉफिक मसल्स होते हैं उनके बल्क जो है वो भी इंक्रीज होता है और पावर भी इंक्रीज होती है ठीक है। एक होता है सुडो हाइपरट्रॉफी मसल्स जो है सुडो हाइपरट्रॉफी मसल में ये होता है कि उनका जो है बल्क इंक्रीज है लेकिन जो है उनकी पावर इंक्रीज नहीं है ये सुडो हाइपरट्रॉफिक है मतलब साइज बड़ा होगा लेकिन पावर नहीं होगी ठीक है। इसी तरह फिर हाइपोटोनी है मतलब कि मसल में टोन नहीं है लेकिन नो रेजिस्टेंस टू पैसिव रैपिड मूवमेंट्स ये भी लोअर मोटर न्यूरॉन लियन की वजह से है ठीक है। उसके बाद है फैसिकुलेशन है इसमें ये होता है कि ब्रीफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिंगल मोटर यूनिट अपीयर एज इनवॉलंटरी इररेगुलर ट्विचिंग ये फैसिकुलेशन आपको फील हो सकती है। एक स्पेसिफिसिटी है वो है परसिस्टेंट रेज्ड टोन नोटिसेबल ऑन इनिशियल मूवमेंट्स ठीक है। स्पेसिफिसिटी बेसिकली अपर मोटर न्यूरॉन लियन की वजह से होती है और इसी तरह रिजिडिटी है यह है कंटिन्यूस इक्वल टेंशन इन अपोजिंग मसल ग्रुप ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी या आप इनको देखें अपनी आपकी बुक से भी।